point Achha, about high pressure match like this, I just want to ask all of you, open discussion, do you want to change things a little bit, spice them a little bit, just like last time you sent Nawaz to the top? तो क्या हम लोग कल भी ऐसा कुछ देख सकेंगे और इट्स गोइंग टू बी टू रिस्की फॉर योर ओपनर मैच? डिपेंड करता है ना, बिल्कुल कि अगर आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन पे जाते हैं और आप समझते हैं कि इंडिया के पास वो बॉलिंग नहीं है इतनी अच्छी, तो आप नवाज को वाई नॉट भेज सकते हैं, आपके पास लेफ्ट हैंडर का ऑप्शन है, वेयर एज इंडिया के पास ये वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है इस वक्त. जडेजा के ना होने से उनकी बैटिंग में आप देखें कि लेफ्ट हैंडर ना हो इस बैट फॉर्मेट के अंदर तो बहुत ओपोनेंट के लिए इजी हो जाते हैं. यू नो अपने बॉलर्स जो होते हैं आपके खिलाफ खेल रहे होते हैं उनके लिए बॉलिंग की एग्जीक्यूशन बहुत इजी हो जाती है. वेयर एज पाकिस्तान के पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है तो यू कैन ऑलवेज ट्राई रेड राइट हैंड लेफ्ट. तो उनकी अगर आप जो स्पिनर्स हैं उनको भी पाकिस्तानी स्पिनर से कंपेयर करें तो शादाब ने पिछले साल में जिस तरह की बॉलिंग की है चाहल से बहुत बेहतर बॉलिंग की है. और नवाज और एक्सियर, आई थिंक नवाज इज़ अ वेरी वैल्यूएबल प्लेयर और जिस तरह से वो इवन के बॉलिंग में भी अच्छा करते हैं. नहीं, ही इज़ डूइंग वेरी वेल. अगर आपकी उनकी बैटिंग वीक है तो देन डेफिनेटली यू बॉल फर्स्ट और एक टारगेट सामने हो और ऐसी बॉलिंग. बारिश का भी तो है ना कि कब होगी नहीं होगी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता अगर आप बाद में बैटिंग करें. ओवर जो कम हो जाते हैं तो उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना बाद में. मगर जो बहुत अच्छी चीज़ मेरे ख्याल से हुई है ना, वो जो उसने अफगानिस्तान में शाहीन ने आके बॉल किया और जो अंदर आया है ना, वो उसका सबसे ख़तरनाक गेंद है. उसको देखा मैंने, मैं कहा यार अब फिट लग रहा है मुझे, उससे बड़ा इंडियंस हिल गए हैं. आप लोग बताए थे बिकॉज यू हैव प्लेड क्रिकेट कि कितना जो होता है कि एक प्लेयर पे बहुत हाइप क्रिएट करते हैं. जैसे शाहीन पे हमने देखा, यू नो द हेडलाइंस, द ईगल हैज लैंडेड एंड शाहीन करना चाहिए सबको. आई मीन डज इट आल्सो हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट कि इतना ज्यादा आप एक नॉट एनीमोर नॉट एट दिस एज टाइम. मुझे कभी कभी लगता है कि टैक्टिक्स होती है दूसरी टीम को प्रेशर में डालने के. एट टाइम्स हमने देखा हुआ है कि फ्लैट पिच है, शार्जा चमक रही है और वसीम अकरम बॉल कर रहे हैं तो सोच ही नहीं आती कि इसको हमने अटैक करना है. वो पहला ओवर तो वसीम अकरम के नाम से गुजर जाता है. इसी तरह आप देखें ना कि आप ये शाहीन बाहर है जी, शाहीन इतने अरसे से नहीं खेला, शाहीन आया उसने वही बॉलें करके दो आउट किए हैं, वो कॉन्फिडेंस आ गया सबको. तो अब वो जो ओपनर है वो सोच तो रहे होंगे ना वो तो फिर ऐसे ही आनी, अब मैं इसको मारूँ या मैं सर्वाइव करूँ, तो डाउट आ गया ना. डाउट जिस और जो नाम का जो इम्पैक्ट है ना, नाम के अलावा मुझे अच्छी तरह याद है इसका बहुत फर्क होता है. एक आम बच्चा जब आके बॉलिंग करता है ना, वो चाहे जितनी मर्जी वो तेज कर रहा हो या स्विंग कर रहा हो, नाम का जो एक इम्पैक्ट है वो चाहे ये माने वो बैट्समैन या ना माने. मैं एक जमाने में किसी के साथ बैठा था तो मुझे याद नहीं आ रहा, वो बड़ा प्लेयर था, वो कह रहा था यार ये जो खब्बा बॉलर जब आकर कराता है और उसका गेंद अंदर आने लगे तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि फिर आपको खेलने जाना पड़ता है, इसलिए कि एंगल होता है फिर वहीं से गेंद अंदर आ रहा है. दूसरी चीज़ फातिमा ये भी है कि देखें जो भी हम जब भी क्रिकेट खेलें तो हमें हमारे कप्तान ये मैसेज दिया करते थे भाई मीडिया को नहीं सुनना, मीडिया को नहीं देखना, मीडिया को नहीं पढ़ना आपने. यू नो आप अननेसेसरी अपने ऊपर प्रेशर डेवलप कर रहे होते. दिस इज द आई थिंक द साइकी फॉर द प्लेयर्स कि आई थिंक के सोशल मीडिया को नहीं देख रहे, ऑल्दो के सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है इसकी गेम की वैल्यू का, बट आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर बिल्डअप कर लेते हो. आपकी जो स्किल है आई थिंक उसके बारे में सोचना चाहिए. जिस तरह शाहीन ने बॉलिंग की है या नसीम बॉलिंग करते हैं उनको सिर्फ सिंपली सोचना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ्स के इनकी कहाँ स्ट्रेंथ है कहाँ वीकनेसेस है उसके खिलाफ मैंने बॉलिंग के लिए. नो मैटर व्हाट जी मोइन खान क्या कह रहे हैं, सिकंदर भाई क्या कह रहे हैं या आकिब क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, एक्सपेक्टेशन तो हाई है, ऑफ कोर्स है, दे आर द बेस्ट, दैट्स व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू परफॉर्म अगेंस्ट इंडिया स्पेशली यू नो. बट अगेन आई वुड से के अननेसेसरी प्रेशर डेवलप आपके ऊपर उस वक्त होता है जब आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो जाओ, मीडिया पढ़ना शुरू हो जाओ जी मेरे से एक्सपेक्टेशन. एक तो हमारे मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक कैच अगर छूट जाए, जैसे हसन अली का वो इम्पोर्टेंट कैच छोटा, वो इंडिया वालों का अर्शदीप का कैच छोड़ा, उस बेचारे को तो पता नहीं खालिस्तान तो क्या क्या कर, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. देखिए ये तो आप ये देखें ये वो आपकी ख्वाहिशात है कि जुना पूरी होने वाली,
ठीक है, ऐसे ही है। मैं समझी आप कोई बहुत डीप बात कर रहे हैं। चेतन शर्मा को छक्का खाए आज को 35-36 साल हो गए। आज तक याद जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो चेतन शर्मा की याद जरूर आती है। बिल्कुल ठीक है। अब इनके लिए सही जो डायरेक्शन या इनके गाइडेंस पता क्या इन प्लेयर्स के लिए कि आप जाने जाते हैं अपनी गेम से और जिस दिन आप अच्छी परफॉर्मेंस करो उस दिन आपका खुश होना और लोगों आपकी तारीफ करें आपका हक बनता है। जिस दिन आप बुरा करो आपको खुद भी फील बुरा होना चाहिए कि यार आज ऐसा अच्छा नहीं हुआ, नेक्स्ट में अच्छा करूं। टेलीफोन तो खोलो ही मत। नहीं करो यार, मेरे ख्याल से ना खोलो। भाईजान ये देखें, ये जो मेरी ट्रेनिंग है का हिस्सा है ना, मैंने 6 साल पता नहीं क्या क्या लोगों ने कहा, अभी भी पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। आपने कुछ ठीक भी कहते हैं, सिर्फ यू कैन इमेजिन मुझे क्या कहते होंगे। ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बातें करेंगे, ये बहुत कॉन्वर्सेशन आगे जा रही है। सोचो मेरे मुझे क्या कहते होंगे, मैं तो देखते ही नहीं हूं। देखो सिक्कू मुझे शो क्लोज करना है, ये लोग इनकी बातें चलती रहेंगी। एंड ऑफ कोर्स विल सी यू टुमारो एट द स्पोर्ट्स फेयर जब पाकिस्तान इंडिया होंगे एक दूसरे के आमने सामने। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, हम लोग अपनी मोबाइल की बातें करते हैं। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग जी न्यूज़।